आप में से कोई देखे होंगे यात्रा शुरू करते हैं और कोई छींक मार दे तो बैठ जाते हैं, यात्रा ही नहीं करते, निकलना ही अच्छा अशुभ लक्षण है, अब शकुन है। तो वो जो है उसने छींक मारी और जो नाक है वो तलवार से टकरा गई और नाक तो तेज धार है उसकी तलवार की, तो असली बना के लाया है, कट गई नाक, खून बहना शुरू हो गया दरबार में ही। अब दरबार का जो वो है राजा है वो बहुत गर्म हो गया उस पर कि तुम क्या बना के लाए हो, मतलब हमारे अमात की तुमने नाक काट दी, ये है वो करके। तो वो बेचारा थोड़ा डरते हुए उसने हाथ जोड़ के कहा कि राजन इसको कहिए कि तलवार को फेल कर दे, कि पास नहीं फेल कर दे। तो कहा फेल कैसे कर दे, तो इतनी तेज धार की तलवार है। तो कहा सर यही तो करता रहा है अब तक, वो जितनी बार बना के लाता था फेल कर देता था, है ना, तो उसे कहिए फेल कर दे। अब वो कैसे फेल करे, उसका तो नाक फेल हो चुका तो अब ये बड़ी समस्या हुई। अब राजा जो है, राजा ने देखी क्या उसका अर्थ निकाला, इसका मतलब ये है कि मेरा शस्त्रागार नकली तलवारों से भरा हुआ है, यानी अब तक अगर यही कर रहा था तो बिना टेस्ट किए असली और वो घूस लेकर के पास कर रहा था, तो यहाँ तो पूरा हारने का पूरा सामान इसलिए इकट्ठा कर दिया, सब नकली तलवारें भर दी हैं, तो हम लोग जीतेंगे कैसे, अब उस समय तो तलवारों से ही युद्ध होता। तो हुआ भाई कि ये राजा ने कहा कि ये तो राष्ट्रद्रोही है, इसको निकालो यहाँ से। उसने ऑर्डर दे दिया कि इस ब्राह्मण को यहाँ से निष्कासित करो, परिवार समेत भागे। अब इसकी चर्चा जो है वो पूरे श्रावस्ती शहर में होने लग गई कि देखिए छींक कितनी बर्बाद चीज़ होती है, छींक कितनी अशुभ होती है। ब्राह्मण ने छींक मारी, उसकी नाक कट गई, राज्य से निष्कासित हो गया है। समझ, इस तरह की भावना लोगों में, श्रावस्ती शहर के नागरिकों में बात चर्चा हो रही है। और जो हमारे जेतवन विहार के भिक्षु हैं वो जाते हैं भिक्षाटन के लिए, तो वहाँ से देख रहे हैं कि हर जगह तो इसी तरह की बात हो रही है। फिर वो जेतवन में आते हैं तो धर्म सभा होती है शाम को, है ना, पता नहीं, हो सकता शाम को आप लोगों की भी कोई गैदरिंग होती हो, उसमें चर्चा होती हो, बहस होती हो, तो इस तरह से करके वो धर्म सभा में चर्चा हो रही है, भिक्षु लोग इसी बात पर कर रहे हैं। तो आप पाएंगे बुद्ध घोष में वो यही शैली को पकड़ा है, जब उसको प्रॉब्लम कोई बतानी होती है ना वर्तमान कथा में, तो वो इस तरह की शैली अपनाता है कि भिक्षु आपस में चर्चा कर रहे हैं, ऊपर से शास्ता आ जाते हैं, पूछते हैं भिक्षु क्या बात चल रही है। तो ये एक शैली है, है ना, उस शैली में मतलब भाई व्हाट इज द प्रॉब्लम, तुम्हारा इतना हल्ला हो रहा है, क्या बात है, तुम अगर अभी आप कर रहे हो आपस में चल रहा हो, दूसरा टीचर आज का आएगा तो क्या बात है, व्हाट इज योर प्रॉब्लम, इतना हल्ला हो रहा है ना। लेकिन बुद्ध ऐसा नहीं कहते, बुद्ध कहने की जो अदा है वो ये है कि भिक्षु क्या बात चल रही है। तब भिक्षु बताएंगे कि भाई ये बात, हम लोग गए थे बनते श्रावस्ती में शहर में गए थे तो इस तरह की बात चल रही है कि जो छींक है बहुत ही अपशकुन वाली अशुभ चीज़ होती है, छींक से इतना इतना अघटन हो जाता है, इतना है ना। तो अब भगवान बुद्ध के सामने क्या समस्या है कि भाई एक अंधविश्वास में ये फंस रहे हैं, दुनिया तो फंसी हुई है, हमारे भिक्षु क्यों फंस रहे हैं छींक से, कि छींक मारने से ऐसा हो जाता है ना। तो उस का प्रबंधन करना है, भिक्षुओं से बात, उनके दिमाग से ये बात निकल जाए कि भाई छींक कोई ऐसी अशुभ चीज़ नहीं होती है। और दूसरा उनके मन में है कि भाई ये देखो जो राजा ने किया उसको निष्कासित कर दिया, ये भी उचित नहीं हुआ, ये सम्यक नहीं है। ठीक है, सम्यक इसलिए नहीं है, आप में से कोई बता सकता है कि सम्यक क्यों नहीं है कि उसको राज्य से निष्कासित कर दिया है, ये सम्यक डिसीजन नहीं है, सम्यक निर्णय ये राजा का नहीं है, इसमें क्या फ्लॉ है, उसको राज्य से निष्कासित कर दिया ये सम्यक नहीं, ये भगवान बुद्ध देख रहे हैं ये सम्यक नहीं है। तो इसका कारण ये है, मैं बता देता हूँ कि इसलिए है कि वो एक्सट्रीम पे चले गए, वो जो राजा है वो एक्सट्रीम निर्णय ले लिया, इसको राज्य से निष्कासित करो। भाई उसने अगर लिया भी होगा मान लो रिश्वत, तो कितना लिया होगा, 5 रुपया 10 रुपया, इससे ज़्यादा उसको एक तलवार पास कराने का कौन दे देगा, 1 करोड़ रुपया तो कोई नहीं देगा, थोड़ा बहुत उसको रिश्वत दी होगी, जैसे हमारे न्यायालयों में होता है भी ठीक है फाइल बढ़ाने का
चपरासी को दे दे, फिर 10 रुपये दे दो, है ना। तो वो कोई इतना बड़ा रिश्वत नहीं है, है ना, जिससे कि उसको राज्य निष्कासित कर दिया जाए। उसको तो नाक से तो पहले ही निष्कासित हो गया बेचारा, दंड तो उसको मिल ही गया होगा, है ना, दंड उसको मिल चुका है। इसके ऊपर से आप उसके परिवार को भी दंडित कर दें, वो गया मतलब उसका पूरा परिवार जो है दुख झेलेगा आगे, ठीक है। तो वो ये बताना चाहते हैं कि ये भी सम्यक नहीं है। सम्यक क्या होता ये बताने के लिए बोधिसत्व का एक चरित्र एक कथा में आएगा, जो कि अब कथा सुनाएंगे, ठीक है। वो उनका मैनेजेरियल स्टाइल है, वो कथा सुनाएंगे, उसमें बोधिसत्व चरित्र आएगा, वो बताएगा कि कैसा करना चाहिए था, ठीक है। तो वही होता है कहानी, बाकी वही है। वाराणसी का राजा ब्रह्मदत्त, जब जातक कथाएं पढ़ेंगे ना तो आपको हर जगह वाराणसी का राजा ब्रह्मदत्त मिलेगा, ठीक है। इसलिए ऐसा मत समझिएगा कि सचमुच में वाराणसी का राजा ब्रह्मदत्त था जो हजारों साल जिया, क्योंकि हर जातक कथा में वही आ रहा है। ये एक उदाहरण कथा है, एक उदाहरण कथा द्वारा समझाया गया है कि उसमें जो बोधिसत्व आया है ना, वो इसी तरह का अमात्य था, ठीक है। और जो सॉरी उसमें जो राजा था वही बोधिसत्व था, और उसका अमात्य भी इसी तरह करता था। तो उन्होंने क्या किया, उस राजा ने, ब्रह्मदत्त ने, क्योंकि उसका बोधिसत्वी चरित्र था, उसने क्या किया कि उस ब्राह्मण को पहले तो ट्रीटमेंट करवाया, लाख की नाक जो आर्टिफिशियल, लाख की नाक तो बनती होगी अभी, जैसे आर्टिफिशियल नोज बना देते हैं, तो आर्टिफिशियल नोज बनवा के उसको फिट करवाया और उसका तबादला कर दिया, किसी दूसरे विभाग में डाल दिया। तो अपने आप उसका मतलब पहले तो उसको मिल ही चुका है दंड, उसका फिर ट्रीटमेंट कराना भी तो आपकी जिम्मेवारी है, एम्प्लॉयर की जिम्मेवारी है, इंजर्ड हुआ है जैसे, ठीक है। अब प्लस उसको दंड ही देना है, तो उसको अब कि इस विभाग में वो नहीं रहेगा, दूसरे में करना। तो ये सम्यक प्रबंधन हुआ। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि हर जातक कथा में एक समस्या है जो वर्तमान कथा में है। अब आप लोग पाली पढ़ते हैं, वर्तमान कथा का नाम होता है पच्चुपन वत्थु। पाली में जातक कथा पढ़ेंगे अर्थकथा, तो आपको शब्द आएगा पच्चुपन वत्थु, मतलब वर्तमान कथा में जिसमें समस्या है, है ना। वो समस्या, वो वर्तमान कथा लिखने की क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि एक समस्या सामने आई है, उसका हल हमको समाधान देना है अतीत वत्थु में, ठीक है। तो अतीत वत्थु में जो कथा आएगी उसमें बोधिसत्व चरित्र आएगा, वो बोधिसत्व बताएगा कि समाधान क्या है। सारी जातक कथाओं में ये ट्रीटमेंट आपको मिलेगा, एक पर्टिकुलर शैली है उसकी, एक तरीका है उसको बताने का, और वही उसका निर्वाह करते हैं बुद्ध घोष। लेकिन यही एक मुझे कहानी मिली जिसमें दो कथाएं हैं, दो अतीत वत्थु, अतीत वत्थु एक एक समस्या के लिए एक कथा, लेकिन यहाँ पर दो कथाएं। तो दो कथाएं क्यों हैं, क्योंकि दो समस्याएं हैं, दो समस्याएं हैं कि नहीं, कैसे दो समस्याएं हैं। एक तो समस्या ये है कि भाई भिक्षुओं से अंधविश्वास की जो भावना है कि चीख खराब होती है वो निकालना है, और दूसरा ये है कि राजा ने जो गलत किया है, जो क्या कहते हैं, निष्कासन किया है, वो सम्यक नहीं था, तो उसको बताना है। इसलिए एक कथा में तो ये बताया, और दूसरी कथा में ये बताने के लिए कि भाई चीख जो है अशुभ नहीं होती है, शुभ भी होती है, तो वो आपके माइंड से निकल जाएगा कि हो सकता है अभी छींक मारने से, जैसे कई लोग कहते हैं ना मेरा बायां आँख पड़क रहा है तो कुछ अशुभ होगा, दायां आँख पड़क रहा है तो कुछ शुभ होगा, अशुभ का शुभ से, किसी को बायां आँख खुजली हो रही है और इसमें तो कुछ आने वाला है, पैसा आया है ना। अभी भी देखिए मान्यताएं हैं, दाहिने खुजली हो रही है तो निकलने वाला है, खर्च लोगों ने इस हिसाब से बनाया हुआ है, लेकिन वो साइंटिफिक नहीं है। और बुद्ध इस चीज़ को रख रहे हैं कि ये जरूरी नहीं है कि भाई तुम्हारा छींक मारने से अशुभ ही होगा, शुभ भी हो सकता है। यानी एक कैसी कथा बतानी पड़ेगी जिसमें शुभ का संकेत हो, परिणाम जिसमें शुभ हो, तो वो भी बता देते हैं, वो आपको अच्छी लगेगी कहानी, है ना। वो इसलिए उम्र का तकाजा है, तो उसमें वो कहानी इस तरह से आती है कि वाराणसी नरेश है, उसका एक पुत्र है, उसकी जो सिस्टर है उसकी एक लड़की है,
ठीक है, दोनों बचपन में एक साथ खेलते हैं, ठीक है। अब ये अपने बहन से सलाह कर रहा है कि दोनों बड़े हो जाएंगे तो दोनों की शादी कर देंगे, है ना। अब ये उदाहरण कथा है, पता नहीं सच है या झूठ है, यानी वो सिर्फ उदाहरण कथा है। तो जब वो बड़े हो जाते हैं, थोड़ा और बड़े हो जाते हैं, तो राजा ब्रह्मदत्त के मन में आता है कि अगर हम दोनों को शादी कर दें तो हमारा तो राज्य विस्तार नहीं हुआ, हमारा कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं बना, लेकिन वही अगर मान लीजिए लड़के की शादी हम दूसरे राज्य में करते हैं तो कुछ उस समय का राज्य विस्तार हुआ, भी उसकी राजकुमारी आएगी। इसी तरह लड़की का हम कहीं करते हैं तो और एक संबंध बनेगा, तो हमारे संबंधों का विस्तार होगा, वो ज़्यादा फायदेमंद होगा। ये तो दोनों हमारे घर के बच्चे इनमें कर, तो ये ख्याल उसमें आता है। तो क्या करता है कि उसके लिए अलग महल बनवा देता है, बेटे को अलग कर देता है और अपनी बिटिया को अलग कर देता है, दोनों अलग अलग रहने लगते हैं। लेकिन उनमें प्यार डेवलप हो चुका है, अब वो मिलना चाहते हैं, कैसे मिले, समझ रहे हैं। तो एक रास्ता निकलता है कि जो वो जो राजकुमारी की जो होती है क्या कहते हैं दासी, राजकुमारी की दासी को ये अपने वश में करता है या उसको पटाता है, जैसा भी किया इसकी लैंग्वेज में, है ना। तो वो दासी जो है उसको बताती है फला फला, तो उसके फला टाइम नहाती है धोती है जो भी है, मतलब सूचनाएँ महल से आने लगती है। तो ये लड़का जो है करता है कि एक सूचना भिजवा देता है कि अमुक टाइम पर अमुक श्मशान घाट है, श्मशान घाट समझते हैं ना, ब्यूरियल ग्राउंड वहाँ पर। तो उस समय का जो उस कहानी में आता है कि कच्चा श्मशान भी होता था और पक्का श्मशान भी होता था। तो पक्का शायद वो होता था जहाँ जलाते होंगे, कच्चा वो होता होगा जहाँ लाश छोड़ जाते होंगे कि जानवर खाने, कुछ इस का उस समय रहता होगा। तो ये क्या उस कच्चे श्मशान का दे देते हैं कि वहाँ पर आ जाना है फलाने टाइम पर। तो अब जो है वो जो राजकुमारी जो है वो अपने हिसाब से उसको क्या कहती है, एक फार्मूला निकालती है अपने पिता तक या माता तक पहुँचाती है कि भाई पहले कोई ज्योतिषी आता है, वो बताता है कि उस टाइम पर आपको पूजा करने के लिए जाना है फलाने जगह। मैंने अब ये कोशिश इनिशिएटिव तो लेना पड़ेगा, वो सब करती है और वो करके वो अपने माता पिता को कर लेती है, विश्वास में ले लेती है कि उस समय जाना है। तो वे लोग कहते हैं ठीक है, सैनिकों के साथ है ना, पूरे फुल प्रोटेक्शन के साथ उसको उस जगह भेज देते हैं, उस अमुक टाइम पर पहुंच जाते हैं। अब इधर जो है वो जो उनकी संगनी है दासी है वो सैनिकों पर फैला देती है कि वे जो कच्चा श्मशान होता है इसमें प्रेत आदि रहते हैं, है ना, इसलिए अपना ध्यान रखना भाई, वहाँ अगर कोई ऐसी घटना हो जाती है तो तुम लोग अपना ध्यान रखना, भाग लेना, वहीं रुको, हो सकता है प्रेत तुम लोगों को ख़त्म कर दे या खा ले। तो इस ढंग का माने एक नाटकीय अंदाज क्रिएट होता है। और वहाँ पर जब वो जाती है ना, तो एक जो लाश के रूप में वो हमारा जो राजकुमार कुलवी राजकुमार है वो वहाँ लेटा होता है, और साथ में उसने कुछ ऐसी चीज़ रखी होती है, मिर्च विर्च इत्यादि। अब लाश के रूप में लेटा हुआ है और जब उधर आगमन उसका हो जाता है श्मशान घाट पर, तो ये नस्सी या जो भी है जिससे छींक आती है, बहुत लोग नस्सी लेते हैं ना, तो वो छींक मारता है ज़बरदस्त। अब ये देखते करे तो प्रेत छींक रहा है भाई, लाश छींक रही है, अभी तो विपद माने कुछ ना कुछ विपत्तिजनक घटना होने वाली है। सारे सैनिक जो हैं भाग जाते हैं और हीरो हीरोइन मिल जाते हैं, और ये दोनों फिर मतलब जहाँ भी जाना होता है बॉबी स्टाइल में निकल जाते हैं जो भी। तो क्या होता है अल्टीमेटली जब वो पकड़ में आते हैं दोनों, तो राजा ब्रह्मदत्त सोचता है कि भाई तो हम लोगों ने पहले ही सोचा हुआ था दोनों को विवाह करने, छोड़ो हटाओ, जब इतनी ज़्यादा है ना इनमें भावना है प्यार है तो ठीक है भाई। तो एक शुभ में हुआ और फिर वो उसको जो बोधिसत्व चरित्र है वहाँ पर जो लड़का है उसको फिर राजा भी बना देता है। तो बोधिसत्व के रूप में ये कहा जा रहा है कि देखो छींक मांगने का छींक मारने का तो हमको तो फायदा हो गया ना, है ना, लड़की भी मिली और राजा भी मिला, तो तुमको कैसे कह सकते हो कि भाई छींक अशुभ चीज़ होती है, छींक शुभ में भी हो सकता है। तो इसी तरह से शुभ में हमारी कहानी का अंत होता है। और प्रबंधक शास्त्र की जो कथा निकल के आती है, प्रबंधन कैसे किया गया है वो आपके सामने है।
ठीक है ना। तो ये जातक कहानियों में, ये इस तरह की हर जातक कहानी में एक सीख है, एक सम्यक की बात है, सम्यक का निर्वाह करने की बात है। फिर कभी डिटेल में आपको ये बताऊंगा कि किस तरह से डेविएशंस का मैनेजमेंट भी करना है। डेविएशंस यानी विचलन, विचलन का मैनेजमेंट कैसे करना है, इसकी भी कहानियाँ इसमें हैं। अब विचलन क्या होता है? विचलन ये होता है कि जैसे आपके लिए एक नियम बनाया गया कि भाई ये 3 बजे क्लास ख़त्म हुई, 3:10 पे, 4:10 पे आना था, आप 4:15 पे आ रहे हैं, 5 मिनट अपने लेट कर दिए, तो विचलन हुआ ना। 4:10 पे आना था, 5 मिनट का डेविएशन हुआ, ठीक है। अब उस डेविएशन का मैनेजमेंट कैसे करना है? रूल तो भंग हो गया ना, अब रूल जो भंग हुआ उसका मैनेजमेंट करना है। तो आपको कहानियाँ ऐसी मिलेंगी कि जिसमें रूल तोड़ा गया है। मान लीजिए पंचशील का सिद्धांत ये कहता है कि भाई आपको एकदम सच बोलना है, ठीक है। अब सच 100% कैसे कोई बोले? थोड़ा बहुत तो झूठ बोलना पड़ता है ना। जो बिजनेस कर रहे हैं या जो आपके वकील पेशा में हैं, तो भाई झूठ तो बोलना पड़ता है। हम लोग सभी थोड़ा झूठ बोलते ही हैं। तो कितना परसेंट झूठ बोला जा सकता है, वो विचलन है, है ना। एक सेट नॉर्म से आप विचलन कर रहे हैं, तो विचलन का प्रबंधन कैसे करना है? अगर कोई पूरा ही झूठ बोलना शुरू कर दे सुबह से लेकर शाम तक, झूठ ही बोलता है, झूठ के अलावा कुछ बोलता ही नहीं है ना। ऐसा भी हो सकता है कि उसको कहेंगे फेंकू है ये, बहुत से ऐसे चरित्र भी मिलते हैं, है ना, कि भाई बिल्कुल ही झूठ बोलता है, तो वो एक्सट्रीम पर चला गया, है ना। थोड़ा बहुत झूठ जो चल सकता है, और वो भी खास करके इसलिए कि भाई किसी की हम जान बचा रहे हैं, किसी का परोपकार कर रहे हैं, किसी का लाभ कर रहे हैं, सिर्फ अपने लाभ के लिए नहीं झूठ बोल रहे, तो उसको सम्यक की श्रेणी में रखा जा सकता है। लेकिन उसके लिए ऐसा रूल नहीं बनाया जा सकता है कि 5% झूठ बोल लेना, ऐसा रूल बना सकते हैं? बुद्ध ऐसा करेंगे कभी? अपने नियम बनाते हैं, जहाँ पंचशील का नियम बनाए ठीक है, झूठ नहीं बोल है, सच बोलना है, ब्रैकेट में 5% तक चल सकता है, ऐसा नहीं कोई कर। तो ये जब उसमें आता है व्यावहारिकता में, तो सम्यक की बात आती है कि जहाँ तक सम्यक है। अब वो सम्यक का निर्धारण करने के लिए आपके पास विवेक होना चाहिए, है ना। लोभ नहीं होना चाहिए कि अपने स्वार्थ के लिए हम ऐसा किए जा रहे हैं। अगर परोपकार के लिए, देश हित के लिए, समाज हित के लिए थोड़ा सा झूठ बोल रहे हैं, तो उसको सम्यक की श्रेणी में रख करके क्षम्य माना जा सकता है। वैसी कहानियाँ आपको जातक में मिलेंगी, जो मैं आज नहीं सुनाऊँगा, आज यहीं समाप्त करूँगा, क्योंकि आपका समय भी ऊपर होने वाला है और हमारे मित्र भी फोन बार बार कर रहे हैं, ठीक है। तो आप सबका मैं आभार व्यक्त करते हुए ये चाहूँगा कि आपके कुछ प्रश्न मुझे मिल जाएं, ताकि मैं शॉर्टकट में उस पर जवाब दे दूँ, और जो हमारे मित्र हैं यहाँ पर शैलेंद्र जी, और उनका भी अगर कोई सवाल हो तो वो भी स्वागत योग्य है, ठीक है। अब आप बॉल इज इन योर कोर्ट, मैं तब तक चाय पीता हूँ। हाँ बताइए। बिल्कुल जी सर, ये कहानियाँ जितनी भी कहानियाँ होती है, प्रबंधन जैसे कोई भी अगर कहानी देखिए, कहीं ना कहीं मैनेजमेंट मिलता ही मिलता है जी जी। आपने ये कैसे देखा कि इसमें स्पेशल मैनेजमेंट के लिए ही ये कहानी है? बहुत अच्छी बात उन्होंने पूछी है कि ये कैसे आप कह सकते हैं कि सारी कहानियाँ प्रबंधन के लिए हैं। तो मेरे मन में डाउट था कि अरे 5 कहानियाँ पढ़े, उसमें तो प्रबंधन मिल रहा है, कुछ जरूरी, अब सारे को कह रहे हैं, सारा शास्त्री उसी लिए है। तो फिर मुझे कई कई बार कहानियों को पढ़ना पड़ा, उसको रिगरसली मैंने देखा, जांचा, और उसमें से फिर वो अंश निकाला जो हमारे आज के मैनेजमेंट में भी है। तभी तो आप कहेंगे कि ये नहीं, तो जो चीज़ पता ही नहीं है, अगर मैं कहूँ कि अभी अंतरिक्ष की कहानी है, उसके अंदर मैनेजमेंट, अंतरिक्ष का मैनेजमेंट है, जो कि अभी तक नहीं आया अंतरिक्ष, है ना, तो मैं वो नहीं बताता, उसको किनारे की बाद में ज़रूरत पड़ेगी कि अंतरिक्ष में मैनेजमेंट वाली कहानी है। तो खैर, जो इस तरह से मुझे बार बार जब यकीन हो गया, कई बार पढ़ के 400 कहानियों का मैंने उसका पुनर्लेखन किया आज की भाषा में, है ना। अभी जो मैंने बताया सब आज की भाषा में, मुझे नहीं लगता कि कुछ आपको ऐसा हो जो समझ में ना आया हो, कोई रहस्य वाला चीज़ नहीं, जो रहस्य वाला था मैंने बता दिया कि
उसकी मेटलर्जिकल वो रहस्य था, वो लोगों को नहीं समझ में आता था, लेकिन मुझे समझ में आ गया, मैंने बता दिया कि सूंघ के भी ऐसा होता था। तो जहाँ इस तरह की बात थी उसको मैंने नए तरीके से लिखा और बता दिया लोगों की इसमें इस तरह की है, और सब में मुझे खुशी होती है कहते हुए कि सब में प्रबंध शास्त्र की बात है। और दूसरी बात उससे एक मुझे ये आई कि उसमें एक जगह भगवान बुद्ध स्वयं कह रहे हैं, जैसे एक कहानी आप पढ़ेंगे कुणाल जातक, कुणाल जातक में आपको या याद दिलाता हूँ कि साकियों और कोलियों की आमने सामने हो गए थे, खून बहाने को तैयार थे, और ये जब इसकी सूचना मिलती है भगवान बुद्ध को तो उनके मन में आता है कि भाई तो बड़ा मतलब अनर्थ होने जा रहा है ना, लोग आपस में इतना खून बहाएंगे, तो इसके लिए मैं इनको एक कहानी सुनाऊंगा, खंदन जातक सुनाऊंगा, उसके बाद जो बद्धसाल जातक है वो सुनाऊंगा। मैंने इस तरह की वर्तमान कथा में उल्लेख मिल रहा है, विवरण मिल रहा है कि भगवान प्लानिंग कर रहे हैं, जैसे आप अच्छे मैनेजर की तरह प्लानिंग करते हो ना, इसके बाद ये करेंगे, इसके बाद ऐसा कर लेंगे, फिर वहाँ। तो जब भगवान स्वयं कह रहे हैं कि भाई इन कहानियों का मैं यूज़ करने जा रहा हूँ प्रबंधन के लिए, उस लड़ाई को, उस कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उसको मैनेज करने के लिए मैं ये कहानियाँ बताने जा रहा हूँ, तो आप क्या कहोगे कि प्रबंध की कहानियाँ नहीं है शास्त्र? तो इससे बड़ा प्रूफ और क्या हो सकता है, स्वयं ये निर्णय ले रहे हैं इस तरह से कि इसके बाद ये सुख सुनाऊंगा, पहले कहानी सुनाऊंगा, सुख सुनाऊंगा, इस तरह की प्लानिंग उसमें है। जैसे प्लानिंग हम लोग करते हैं उसी तरह की प्लानिंग भगवान ने करते हुए दिखाया गया उसमें, इसलिए ये बात कहने पर थोड़ा मुझे अच्छा भी लगा कि भाई ये प्रबंध शास्त्र की कहानियाँ हैं और इसको इस रूप में पढ़ा जाना चाहिए। लोग नहीं पढ़ रहे थे, लोगों ने इससे इतने गलत फलत निष्कर्ष निकाले हैं कि कई बार मैं बहुत दुखी होता हूँ कि भाई ऐसा निष्कर्ष निकाल करके आप बुद्ध को लांछित कर रहे हैं, उनका वैसा करेक्टर नहीं है। बोधिसत्व इसमें कई बार आएगा कि बहुत खराब करेक्टर है, और लास्ट में कह दिया जाए कि बोधिसत्व कोई वही कोई और नहीं, मैं ही था, शास्ता ही था, तो इसका मतलब बुद्ध पर लांछन लगा रहे हैं कि बदमाश था, डकैत था, बलात्कार किया उसने वगैरह, ऐसी जो कहानियाँ। अरे भाई उन कहानियों में उसका एक मकसद बताया गया है, उसको मैनेज करने के लिए एक उदाहरण कथा बनाई गई है, एक मैनेजरियल केस स्टडी बताई गई है ताकि लोगों को समझाया जा सके उसका प्रबंधन कैसे होना चाहिए। उसको इस लाइन से भ्रमित होकर के आप भगवान बुद्ध पर के चरित्र पर लांछन लगा तो वो एक गलत निष्कर्ष निकला लोगों द्वारा, विद्वानों द्वारा, इसलिए कि उन्होंने समझा नहीं कहानी को, समझा नहीं। बहुत सारे लोग अच्छे आप भी यहाँ कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो बुद्ध को कई बार स्त्री विरोधी बताते हैं, है ना, कई बार कहते हैं कि इन्होंने पहले भिक्षुणियों को प्रवेश नहीं दे रहे थे, है ना, इनका जो वो है पूरा स्त्री विरोधी है। उसका एक जगह एक प्रमाण देते हैं लोग, बाग हमारे जानते हैं क्या, बोधिसत्व एक बार भी लड़की नहीं बना है, 547 कहानियों में एक बार भी बोधिसत्व स्त्री रूप में नहीं आया। जो कहते हैं ना कि पूर्व जन्म की कहानी है, तो अरे तो लड़की का भी तो कोई पुनर्जन्म हो सकता था, एक बार लड़की के रूप में भी तो पैदा हो सकते थे, इसलिए वो बताया जाता है कि कहानियों में मतलब उनका स्त्री विरोधी स्वरूप, तो उनको पता ही नहीं है भाई तो मैनेजमेंट की कहानियाँ हैं, तो पूर्व जन्म की कहानियाँ तो है नहीं कि एक दिन जन्म दिखा दें कि फलाने जन्म में स्त्री के रूप में हुआ था, तो मैनेजमेंट की कहानियाँ बताई जा रही हैं, इसमें ये सच नहीं है। कहने का मतलब कि ये ऐतिहासिक कहानी नहीं है जिसके आधार पर आप सकते हैं। ऐसे और बहुत सी चीज़ें हैं इसमें प्रमाण, इनको मैं बताता हूँ। आज अगर कोई और प्रश्न हो तो मुझसे पूछ लें ना, आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया कि इस आधार पर मैंने कहा कि ये। और कोई पूछ लें भाई, काल्पनिक भी है, बहुत सारी कहानियाँ पूरी तरह से काल्पनिक। सुनाऊं क्या एक काल्पनिक कहानी? उसमें पूरा लगेगा, पूरा काल्पनिक है, बहुत जगह सिंबॉलिक है, संकेतों में बात कही गई है ना, संकेतों में जो बात है उसमें उसको समझने के लिए आपको एक अलग दृष्टि चाहिए। तो बताएं और कोई प्रश्न हो तो पूछिए। आपने अभी जो बताया ना कि स्त्री के विरोध के अपने वो संघ में नहीं रहते थे, इसके पीछे मतलब क्या था? नहीं, उसमें जातक कथाओं में कोई बोधिसत्व का चरित्र ऐसा नहीं है जिसमें नारी पात्र हो, हर जगह पुरुष पात्र आता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। अच्छा, वो
तीन बार उनकी मदर आई थी कि भाई हमको भिखुरी संघ बनाया जाए, है ना। उन्होंने निगेट किया के बाद में अब भिखुरी संघ का जब स्थापना हुई है तो उसका एक पूरा पीछे इतिहास मिलता है हमको। इसलिए ये कई बार उन पर लगता है कि ये स्त्री विरोधी है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। कहीं पुस्तकों में कहीं ऐसी बात नहीं है आपसे जिसमें लिखा हो कि भाई स्त्री विरोधी ऐसी खराब होती है। इसलिए इन आगाम जातक कथाओं के आधार पर आप ऐसा लांछन नहीं लगाया जा सकता, है ना। कई शुद्ध पिटक में ऐसी बात अगर बुद्ध कह रहे हो तो वैसा मुझे तो नहीं दिखा या कोई रेफरेंस नहीं मिला, है ना। स्त्री का वो आदर करते थे। तो और कोई प्रश्न बताए इसको बिजनेस मैनेजमेंट से भी रिलेट कर। बिजनेस मैनेजमेंट की इसमें कई कहानियाँ हैं और आपको जान के आश्चर्य होगा मैडम, इसे जो है आपको जान के आश्चर्य होगा कि पहली कहानी बिजनेस मैनेजमेंट की, स्टार्ट विद बिजनेस मैनेजमेंट, अपन्नक जातक। कभी मौका मिले तो आप पढ़ लीजिएगा, और अपन्नक जातक पहली कहानी है। उसके बाद फिर कई कहानियाँ आती हैं जिसमें उन्होंने बिजनेस रिलेटेड कहानियों के उदाहरण दिए हैं, और इसलिए इसमें और भी प्रबंधन की बातें आती हैं ना, जिसमें आपको बताया कि शिक्षा व्यवस्था में जो बात है उसका प्रबंधन कैसे करना चाहिए वगैरह वगैरह बहुत कुछ है। राज कैसे चलाना चाहिए, सुशासन, सुशासन जो कहते हैं कैसा होना चाहिए सुशासन, उसकी बात है। तो बहुत कुछ वैल्यूएबल चीज़ें हैं इसमें। जातक कथा के नाम से तो नहीं है, खाली जातक के नाम से ग्रंथ जो है कुंदन निकाय का 10वां ग्रंथ जातक के नाम से। अब उस जातक में ऐसी उन दो गाथाओं में छुपी हुई हैं बातें जिसको खोलने के लिए एक अर्थ कथा चाहिए, है ना, जिसको पाली में कहते हैं अट्ठ कथा। अब वो अट्ठ कथाओं को लिखा बुद्ध घोष ने बाद में जा, है ना, बहुत कलेक्शन करके तो उन्होंने लिखा, और लिखा इस रूप में एक पर्टिकुलर शैली है जिसमें धम्मपद की जो गाथाएँ हैं उसकी अट्ठ कथा उस रूप में नहीं लिखी गई। अभी धम्म पिटक जो है उसकी उनकी गाथाओं को समझाने के लिए इस रूप में कथाएं नहीं लिखी गई। तो भाई इसी में क्यों ऐसा पांच भाग बना के लिखे हो, जब शैली ले रहे तो इसका खास मतलब है संत के निदान के। और शुरू में बुद्ध घोष कह देते हैं कि संत के निदान में जो जातक कथाएं आई हैं भगवान चारिका करते हुए जहाँ पहुँच रहे हैं वहाँ जो समस्या है उसको उस रूप में आपने कथा के रूप जातक वर्ड को डिस्क्राइब करके कहीं समझ में नहीं आ, हाँ समझ में नहीं आया। तो जातक जो है देखिए आप सब पंजाबी में भी जातक कहते हैं, लेकिन समझ नहीं मान लीजिए वर्ड जो है पंजाबी में जातक क्या है वो नहीं बता। अच्छा तो मैं आपको बताता हूँ कि जातक वर्ड जो है वो पंजाबी में भी यूज है। पंजाबी में जातक किसको कहते हैं, जो नया बच्चा जन्म लेता है उसको जातक कहते हैं, समझेगा। यानी जो जन्मा वो शिशु, भले शिशु तो हो सकता है थोड़ा सा 15-20 दिन हो गया, नया जन्मा बच्चा जो है उसको हम लोग जातक कहते हैं, और ये शब्द अभी भी हमारी भी डिक्शनरी में है जाता। अब सवाल है कि जातक करके मतलब क्या हुआ, तो जातक करके ये मतलब हुआ कि ये जो बच्चा जन्मा, ठीक है, अब मान लीजिए एक पेज की कहानी है तो बच्चा जन्मा तो सारी उम्र में खाली एक ही कहानी उसके साथ हुई क्या, तो जातक का उसमें पूरा लाइफ की स्टोरी तो है, एक स्टोरी में खाली इसमें बोधिसत्व एक जन्म लिया हुआ इस रूप में है, ठीक है। अब उसमें कोई जरूरी नहीं कि वो पुरुष शरीर में है कि वो मानव शरीर में है, हो सकता है कोई पेड़ है, हो सकता है कोई पक्षी है, बरोबर। तो उस रूप में वो जो कह रहा है बोधिसत्व वो एक जातक है, यानी एक जन्म है, ठीक है। तो जातक को उस रूप में लीजिए कि भगवान जी इस ग्रंथ का जो नाम दिया गया वो जातक, अगर 547 है तो 547 उसमें जातक हैं, और उन जातकों को नाम दिया गया बोधिसत्व। हर कहानी में बोधिसत्व है, बोधिसत्व कोई आवश्यक नहीं कि मनुष्य शरीर में है, कई दूसरे प्राणी हैं उनके रूप में भी हो सकता है। तो वो लेकिन हमको उस प्राणी के रूप में से एक मैसेज देना है, एक समाधान देना है, ठीक है। अब कई बार जो है ये मजबूरी बस भी हो सकता है, विवश हो के भी, अब आपके सामने हम कहें कि तुम गधे हो, मन तुम्हारी कहानी बतानी है तो दुख लगेगा,
हम उसकी जगह पर एक ऐसा चरित्र गढ़ लेंगे, एक गधा है, एक घोड़ा है, इस ढंग से उनमें आपस में बातचीत भी करवा देंगे स्टोरी में, है ना, फिर उसमें से एक मैसेज भी निकाल देंगे। तो ये एक स्टाइल है कहने की, है ना। और कभी विशेष मौका मिला तो मैं आपको कई कहानियाँ ऐसी बताऊँगा जिसमें बोधिसत्व चरित्र जो है वो पेड़ होने के बावजूद, है ना, उसमें से हमको वार्तालाप करूँ, आप बोले पेड़ कैसे बोल रहा है। तो ये कहानी कहने का एक होता है और उसमें कल्पना भी होती है, जैसे अभी कहा कि कल्पना का काल्पनिक है, और ढूंढते रहोगे बोलने वाला पेड़ तो नहीं मिलेगा, है ना। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो एक उदाहरण कथा के रूप में लिखी गई उस गाथा का अर्थ स्पष्ट करने के लिए जो गाथा भगवान ने कही, भिक्षुओं ने याद कर ली, अस्थवीरों ने याद कर ली, धम्म कथिकों ने याद कर ली। अब धम्म कथिक कहीं दूसरे जा रहे हैं बिहार में सुनाने के लिए, अपने उपासकों के बीच बोल रहे हैं, है ना, तो वो मैसेज ओरल ट्रेडिशन में चलता रहा, जिसका भगवान बुद्ध घोष ने बाद में आके लिखा होता है। तो और कोई प्रश्न हो? हाँ सर, जब तथागत बुद्ध अपने मतलब अपनी टीचिंग सूक्त के माध्यम से पढ़ाते थे तो जातक की कहानियों की क्या जरूरत पड़ी? देखिए ये असली प्रश्न है, जातक कहानियों की इसलिए पड़ी कि मान लीजिए उनके यहाँ कोई उपासक आया है, अब उपासक को तो नहीं ना विनय पिटक पढ़ाना शुरू कर दिया, उपासक आया अपनी समस्या लेकर, ठीक है। अब समस्या उसकी क्या है, जैसे एक गंभीर समस्या उसने बताया कि मेरी वाइफ काम नहीं करती है, हमेशा खाने पीने का मांगती रहती है, अब उनका डिस्टर्बेंस फैमिली में पैदा हो रहा है, उस तरीके से आया है ना। अब इसमें एक कहानी आती है जो बिल्कुल अभी आपकी कोरोना वाली कहानी से मुझे मैच करती हुई लगी, है ना, उस कहानी को भी थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ। जैसे कोरोना फैला था वहाँ, उस समय उनके काल में अहिवातक रोग फैला था, पाली में अहिवातक कहते हैं, तो उसमें भी वही सिस्टम अपनाया गया कि उस घर को सील कर दो, जो लोग उसके अंदर है वहीं रहें, मिक्सिंग ना हो, बाहर बीमारी नहीं जाएगी, तो वही ढंग उस समय अपनाया गया। अब उसमें उस परिवार में क्या है कि एक बूढ़ा और बूढ़ी है और उनका एक लड़का है। अब वो लड़के से कहें कि भाई तुम छोड़ के हमको चले जाओ, तुम भी साथ में क्यों मर रहे हो, उन्होंने बात काला बंद कर दिया, बाहर निकलने नहीं देंगे, ठीक है, क्योंकि बीमारी फैल जाएगी, तो तुम हम तो बूढ़े हो चुके, हम तो ख़त्म ही है, तुम अपना अभी तुम्हारे सामने जीवन है, तो तुम जो है वो यहाँ से भाग जाओ। अब इधर लड़का है, उसके मन में ये भावना है कि भाई माँ बाप को ऐसे मरते में कैसे छोड़ के चला जाऊँ, ठीक है। तो ऐसी विषम परिस्थितियों में अल्टीमेटली माँ बाप उनको कहते हैं कि भाई तुम दीवार तोड़ो और यहाँ से निकल जाओ, मैं यहाँ पर धन दबा के रख देता हूँ, जब मामला सब ठीक हो जाए तो आ जाना अपना गड़ा हुआ धन लेकर के, तुम अपना काम काज और बिजनेस करना या परिवार अपना सब। जब मामला सब थम जाता है उसके बाद में वो आता है, निकाल लेता है, अपना फैमिली सेटल कर लेता है, लेकिन मन में जो ग्लानी है उसको कैसे सेटल करें, मन में तो चल रहा है भाई बाद में माँ बाप को मार दिया, अब आया हूँ उनका धन लेने के लिए, समझ रहे। तो उनको लग रहा है कि मैं बिल्कुल ही मैंने ऐसा काम किया है कि पूरा पाप ही का पाप किया है ना, माँ बाप को इस वस्तु में छोड़ते, मेरा कोई धर्म नहीं बनता था, पुत्र का धर्म भी होता था, वगैरह वगैरह उसके मन में चल रहा है। तो वो जाता है कहाँ पर, बुद्ध के पास। अब बुद्ध उसकी उस बात को समझ लेते हैं कि उसकी जो मन की व्यथा है उसको समझ लेते हैं, और समझ के क्या करेंगे, उसको ये बताएंगे कि ये तावीज पहन लेना या इतना यज्ञ कर लेना, ऐसा तो नहीं बताएंगे, क्या करेंगे, वो एक कहानी सुनाएंगे, उसका मनोवैज्ञानिक अब उसको प्रबंधन करना है। अब उस मनोवैज्ञानिक प्रबंधन की एक कहानी वो सुनाएंगे, उसमें इसी तरह से बताएंगे कि पहले भी ऐसा हुआ था, ठीक है, माने उसका गिल्ट जो है वो दूर करने के लिए अब इसका एक अतीत कथा आएगी, नकली है, असली है, काल्पनिक है, जो भी है, लेकिन उसका रोग हमने ठीक कर दिया, उसका मनोरोग हमने ठीक कर दिया, उसकी ग्लानी जो है वो दूर हो गई, उसका पश्चाताप दूर हो गया, ठीक है। इसलिए ये बातें जातक में इस प्रकार से आती हैं। और कोई प्रश्न हो तो खैर, फिर हम लोग कह सकते हैं नमो बुद्धाय। यस सर, आप और अपना इस पर किताब में दे जाता हूँ, ये वाली आपकी लाइब्रेरी के लिए।
है ना, कुछ किताबें और हैं वो दे दूंगा, आप उनका लाभ उठाएं, है ना। अति उत्तम, बहुत बहुत धन्यवाद। तो टाइम तो काफ़ी हो गया, लेकिन थैंक यू सो मच सर। और बहुत सारी कहानियाँ, और कहानी तो नहीं है, एक स्टोरी है छोटी सी ऐसे ही। मैं उनसे डायरेक्ट तो नहीं मिला कभी, अभी मिला, लेकिन इनडायरेक्टली मेरी उनसे मुलाकात हुई। मैं सारनाथ में भिक्षु बनने के लिए चला गया और 3 महीने भिक्षु रहा। जब मैं घर आया तो मेरे बड़े पापा ने मेरे लिए बहुत सारी बातें कही और 3 किताबें मुझे दी। उनमें से एक किताब डॉक्टर चावला की थी कि वैवाहिक जीवन सुखद कैसे हो सकता है। बोला कि शादी से भागने की जरूरत नहीं है, वैवाहिक जीवन भी सुखद होता है। तो उस टाइम बहुत साल पहले, 2000 याद भी नहीं है, वो काफ़ी नंबर टाइम हो गया, उस टाइम मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। और कोई भी किताब मैं पढ़ता हूँ तो ऐसे नहीं पढ़ देता, किसी ने भी कुछ लिख रखा है और मैं पढ़ लेता हूँ। तो मैं उनकी प्रोफाइल जाके चेक की, तो मुझे लगा कोई ऐसे ही बहुत सारे राइटर इधर उधर घूमते रहते हैं, कुछ भी लिख देते हैं। लेकिन जब मैं उनकी प्रोफाइल चेक की तो सही में मुझे और जो उन्होंने लिख के रखा है, उन्होंने बीटेक किया काशी विश्वविद्यालय से और फिर बाद में इस लेखक उसमें आए, और वो टिबेटियन, रूसी, फ्रेंच, बहुत सारी लैंग्वेज को जानते हैं, बहुत सारे उनको बाहर की कंट्रीज के अवार्ड मिले हैं। तो मेरे लिए फिर ज़्यादा ये हुआ कि चलो इस आदमी को तो पढ़ना चाहिए। और सही में वो बुक उन्होंने बहुत ही अच्छी लिखी है। और आज जो जिस विषय को लेकर के वो हमसे डिस्कशन कर रहे थे, जैसे आज के टाइम पे हम चेतन भगत की हाफ गर्लफ्रेंड वगैरह इस तरह की जो बुक्स पढ़ते हैं, तो उसमें कुछ, वो भी एक स्टोरी है आपको कुछ समझाने के लिए। लेकिन उससे पहले भी बुद्धा ने जिस तरीके से जातक में जो चीज़ दी है, अगर आप किसी तरह की सफरिंग में है, अगर आप जातक को पढ़ते हैं, तो वो जो बता रहे थे अपने फनी मूड में, तो वो फनी भी है, लेकिन उसके साथ साथ उस स्टोरी का जो मीनिंग है वो भी बहुत ही मीनिंगफुल है। जैसे वो छीक वाली है ना, हमें पता ही नहीं था कि छीक को लेकर के ऐसा क्यों बोला जाता है कि छीक मारने से अशुभ होता है, लेकिन जब हम स्टोरी को पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीजें हमें क्लियर हुई है। तो इन सब बातों के साथ, टाइम की नजाकत को देखते हुए, तो मैं डॉक्टर चावला का पूरे नागलोक और एनटीआई की तरफ से धन्यवाद करता हूं कि वो यहां आए और जोरदार तालियों से उनका। वो हमेशा स्वस्थ रहे और इसी तरीके से हमारे बीच में आते रहे और हमारा मार्गदर्शन करते रहे। थैंक यू सर। नो,